नमस्कार, आप देख रहे हैं सारा टीवी लाइव मीडिया नेटवर्क, एक कदम आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सहारा टीवी लाइव। मैं आपके साथ अरविंद चौहान। आज हम गंगोह क्षेत्र में निकले हैं, विधानसभा गंगोह क्षेत्र में भिन्न भिन्न गांवों में पहुंचकर लोगों का जायजा ले रहे हैं। आखिर मुस्लिम वर्ग इस बार किधर जा रहा है, यही जानना चाहते हैं हम उनकी जुबानी। ये आपका क्या नाम? बड़े दिलसाद। इस चुनाव को आप कैसे देख रहे हो, किस नजरिए से देख रहे हो? जी जीतते हैं समझ। कौन? साइकिल। साइकिल जीत रही है जी। नहीं और क्यों, और कोई क्यों नहीं हो रहा है? तो नहीं यहाँ से क्यों, ऐसा ही क्या है इंदर सैन जी में? इंदर सैन जीतेगा ना? नहीं और भी तो है, नोमान मसूद है। नोमान मसूद का वोट तो नहीं यहाँ। क्यों नहीं है जी? काम नहीं कर रखा उन्होंने? नहीं जी, कहाँ कर दिया। अब दपा लो हम तो गठबंधन तोड़ दे रहे साकाल के सीधे। उसमें है पिछली बार बीजेपी की सरकार रही, उन्हें काफ़ी मकान भी दिए लोगों को और मुफ्त राशन भी दिया, क्या उससे कुछ वोट प्रभावित होगा? मुस्लिम वोट बीजेपी को करता ही नहीं, सही बात तो है। अगर है भी कोई सामने वैसे ही है, नाम काम निकालने के लिए वैसे ही है, कुछ नहीं। और क्या कहना चाहोगे? और क्या कहें, सपा की सरकार आवे बस, और क्या कहना चाहें। हमारे साथ कुछ और साथी भी हैं, कुछ और भाई की बात सुनते जी। आप क्या करते हो भाई? स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। स्टडी करते हैं। इस बार युवाओं का क्या रुझान है? भर्ती देख लो जी, 2 साल हो गए भर्ती नहीं आई। कितने पढ़े लिखे हो? 12th कर रखी जी, BA में एडमिशन ले रखा, सेकंड ईयर BA चल रही जी। अच्छा, क्या लग रहा है आपको? देख लो जी, आप भी रुझान देख लो, जनता का किधर है। नहीं, माहौल क्या है? माहौल तो समाजवादी का है जी, हाँ, पूरे उत्तर प्रदेश में जी समाजवादी है। हाँ जी जी। भाई जी, आपका क्या नाम है? वादिल है जी। वादिल भाई जी, आप क्या कहना चाहोगे? बस जो ये कह रहे वो मैं कहूँगा जी। नहीं नहीं, आप अपनी राय, अपने मन की बताओ। मन की तो यह है जी, हमने साकाल का वोट देना। नहीं, और भी तो लोग मैदान में हैं। हाँ, सभी जो है ना साकाल वगैरह वो जान रहा सभी आदमी का, उधर से अंत देना, इंदर से अंत वोट, इंदर से अंत। हाँ ठीक है भैया। चौधरी जी जी। भाई साहब, आपका क्या नाम? असलम। असलम भाई, इस चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? समाजवादी। समाजवादी, केवल समाजवादी। यहाँ कितने परसेंट समाजवादी को वोट मिल सकता है गांव में? यहाँ मिलना चाहिए 60%। 60%, यही गांव जो है ना, मैं आपको बता दूं, ये गांव ऐसा है कि मुस्लिम आबादी काफ़ी है, ये जिधर भी जाता है ये गाँव पूरा का पूरा करीब करीब उधर ही चला जाता है। जी, क्या कहना चाहोगे आप, इस चुनाव को कैसे देख रहे हो आप? देख रहे किरत को देख रहे हम तो, भाजपा को। भाजपा को देख रहे हो? भाजपा यहाँ जी 90% वोट लेगी। अच्छा जी, आप क्या कहना चाहोगे? अजी समाजवादी हैं यहाँ सब। नहीं, बीजेपी के भी लोग हैं। अरे बीजेपी के लोग झूठो देख तो वैसे ही हैं। बसपा पे एक भी वोट नहीं, मुसलमानों में तो एक भी वोट बीजेपी से मिलने का नहीं इस गांव में तो। उद्देश्य से क्या, बस ये उद्देश्य हमारा ये है कि सत्ता को चेंज करना है। सत्ता को चेंज करना है प्रदेश में। अच्छा, इस बार कौन सी सत्ता के लिए आए हो आप, बताओ? समाजवादी के लिए आए। अच्छा 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 जी। तो पहले योगी सरकार थी, क्या उससे खुश नहीं हो आप लोग? जी, हम खुश नहीं है सरकार से, क्योंकि हमें तो ये देख क्या बेरोजगारी ज़्यादा है, इसलिए हम खुश नहीं है इस सत्ता से। और ये चाहते हैं कि हमारे प्रदेश की बेरोजगारी भाग जाए किसी तरह। अच्छा अच्छा, प्रदेश में खुशहाली आ जाए, ये चाहते हैं और कुछ नहीं। तो इसीलिए सत्ता परिवर्तन चाहते हैं? सत्ता परिवर्तन इसलिए ही क्या है। अच्छा, चौधरी इंदर सैन जी के समर्थन? चौधरी इंदर सैन जी को विधायक बनाने का हमारा पूरा पूरा इरादा है। तो आप लोगों के साथ कितने लोग आए हैं समर्थन? हमारे साथ कम से कम हमारे गाँव में से 50 लोग आए हैं, जो स्पेशल इनके हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं, जो बाकी मजदूर हैं बेचारे नहीं आ सकते, लेकिन वे अपने टाइम पे। अच्छा, काम करते हैं। आपके समाज के क्षेत्र में और लोगों का क्या ख्याल है? हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा फिलहाल समाजवादी का चौधरी इंदर सैन जी का ही दबदबा है, फिलहाल इन्हीं का चला हुआ है। हमारे क्षेत्र में अब की बार थोड़ा ज़्यादा इन्हीं का ही है दबदबा है। चौधरी इंदर सैन जी को विधायक बनाने का पूरा उद्देश्य है इन लोगों का हमारे। मेरा नाम अजय सिंह।